गुड मॉर्निंग एवरीबडे। कल हम लोगों ने ट्रांसपोर्टेशन में स्टेपिंग स्टोन मेथड पढ़ा, एंड व्हाट वी डिड एग्जैक्टली कि जो अन अलॉटेड सेल्स थी वहाँ अलॉटमेंट करा लूप बना करके, और हमने देखा कि अगर अलॉटमेंट करने से कॉस्ट बढ़ रही है, पॉजिटिव आंसर आ रहा है, तो ऐसे केस में इट्स रियली बेटर कि आप वहां अलॉटमेंट ना करें। अगर कहीं भी नेगेटिव आ जाता आंसर, यानी कि कॉस्ट कम हो रही होती थी, तो हम वहां पर अलॉटमेंट करते, मतलब एक री अलॉटमेंट होता, और उसके बाद से फिर वो पूरी की पूरी प्रोसीजर वापस करते तब तक जब तक कि सारे पॉजिटिव या जीरो ना आ जाए। मेथड थोड़ी सी डिफिकल्ट पड़ी हमको, रीजन बीइंग कि 4x4 मैट्रिक्स है, एम प्लस एन माइनस वन अलॉटमेंट है 7, तो 16 माइनस 7 मतलब 9 अनअलॉटेड सेल्स भी हैं। अब 9 बार लूप बनाना, कुछ लूप तो आसानी से बन जाते हैं और कुछ बड़े कॉम्प्लिकेटेड भी होते हैं, अपने आप में एक बहुत ही लेंदी प्रोसेस है। तो बिना लूप बनाए ही अगर कॉस्ट का बढ़ना घटना हमको समझ में आए, बड़ा मुश्किल होगा स्टेपिंग स्टोन से चलना। और वैसे अपने सिलेबस में भी नहीं है, करना भी मत एग्जाम में, नहीं तो समझ में ही नहीं आएगा। वो स्टेपिंग स्टोन की जगह थ्रो करने वाले स्टोन हो जाएंगे, वही पत्थर मारेगा कॉपी चेकर आप पर। हमको जो मेथड है हम वो पढ़ते हैं, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच। वही क्वेश्चन नंबर 1 ही लेंगे हम, और वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से जो अलॉटमेंट आया था उसी से स्टार्ट करेंगे। अब बेटा आप लोग जो बैठते हो सब कॉर्नर्स पकड़ के बैठ जाते हो, अंदर की जगह खाली छोड़ देते हो, बच्चा कहाँ घुसेगा अंदर? और लेट क्यों आते हो आप लोग, जिससे कि इधर वालों को तकलीफ देते हो? सब एक साथ आया करो, उधर से घूम के आओ और उधर अंदर घुस जाओ, वहां से कहीं से नीचे से। हाँ टाइम पर आओ, जिससे कि सब एक साथ बैठ जाओ, और जो जल्दी आ जाए वो कॉर्नर पकड़ के मत बैठो, अंदर वाली सीट पे कोई कैसे अंदर जाएगा, फिर खिड़की से आए या तो। हाँ मतलब हम स्टार्ट वही वोगल वाले सॉल्यूशन से ही करेंगे, मगर इसका अपना एक तरीका होगा। ठीक है, तो क्वेश्चन 13 देखिए क्या लिखा है। फाइंड आउट फाइनल फीजिबल सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 1, मतलब वैम का एक तो हमने बना ही लिया, उसको वैम वाले को हम बोल देंगे स्टेप नंबर 1। ठीक है, अब हम लेते हैं, आप लिखें क्वेश्चन 13 के लिए स्टेप नंबर 2। स्टेप नंबर 2 के अंदर हम बहुत सारी सब स्टेप्स लेंगे। स्टेप 2 आपने ले लिया, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन, यहां ब्रैकेट में लिख देते हैं 1, मतलब पहला इटरेशन। हो सकता है एक से ज्यादा इटरेशन चलाने की हमको जरूरत पड़े। अब इसके अंदर हम सब स्टेप नंबर 1 लेते हैं, चेक। क्या चेक? नंबर ऑफ, इनफैक्ट ये चेक तो पहले ही हो जाएगा, आई एम सॉरी, चेक हो जाएगा उसके बाद ही फिर हम इस पर आएंगे, चेक नहीं। पहला जो अपना स्टेप होगा वो होगा कैलकुलेशन ऑफ यू आई एंड वी जे। सर ये क्या नाटक है पता? बहुत अच्छा नाटक है ये। इसका पहले कॉस्ट मैट्रिक्स हम बना लें, एंड दैट इज 3057। एक मिनट, आई एम सॉरी, क्या कर रहा हूं मैं, ऐसे थोड़ी।
मुझे सिर्फ उस सेल की मुझे वो दो जरा अलॉटमेंट जो हो रखा था वो वाली, कहाँ कहाँ अलॉटमेंट है ये, है ना? फर्स्ट कॉलम में, थर्ड रो में अलॉटमेंट है ना सबसे पहले तो? मैं क्या करूंगा, सिर्फ उन सेल्स की कॉस्ट लिखूंगा जहां पर अलॉटमेंट है। मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच में आप क्या करते हैं, एक मैट्रिक्स बनाते हैं, कॉस्ट मैट्रिक्स, लेकिन इसमें सारे आइटम्स की कॉस्ट नहीं लिखते हैं, सिर्फ उन्हीं सेल्स में आप कॉस्ट लिखेंगे जिन सेल्स में एलोकेशन था इनिशियल फीजिबल सॉल्यूशन में। फिर चाहे वो इनिशियल फीजिबल सॉल्यूशन नॉर्थ वेस्ट कॉर्नर रूल से आया हो, या लीस्ट कॉस्ट से आया हो, या वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड से आया हो, हालांकि बेस्ट तो वोगल्स अप्रोक्सीमेशन मेथड ही है। इसके बाद आपको क्या करना है, आप एक ऐसी रो या ऐसा कॉलम सर्च करो जिसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ अलॉटमेंट्स हो। इस कॉलम में एक अलॉटमेंट, इसमें दो, इसमें दो, इसमें दो, इस रो में तीन अलॉटमेंट, एक दो एक, कोई ऐसी रो या कॉलम जिसमें सबसे ज्यादा अलॉटमेंट हो। फर्स्ट रो हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ अलॉटमेंट्स। अब हम कैलकुलेट करेंगे, एक तो यू आई मतलब एक तरह से रो के लिए एक नंबर, और हम कैलकुलेट करेंगे वी जे मतलब हर कॉलम के लिए एक नंबर। जिस कॉलम या रो में सबसे ज्यादा अलॉटमेंट हो उसके सामने जीरो लिख लो, मतलब फर्स्ट रो का वैल्यू हमने कितना ले लिया, जीरो। रूल है ये, सर्च फॉर द क्यों क्या, वो तो स्टेपिंग स्टोन बता दी ना अभी। क्या बेटा मेथड चालू हुई और क्यों, मेथड में कोई क्यों नहीं होता है, मेथड मेथड होती है, वो ऐसी चलती है। सर्च फॉर द रो और कॉलम जिसमें सबसे ज्यादा अलॉटमेंट्स हो, उसकी वैल्यू कितनी लिख दो, जीरो। असल में हमको क्या करना है, यू आई और वी जे के लिए ऐसी वैल्यूज लिखनी है जिससे कि यू आई और वी जे का टोटल उतना आ जाए जितनी सेल की वैल्यू है। जैसे ये जीरो प्लस कुछ कर दो जिससे कि ये आ जाए, तो यहां मुझे 15 लिखना पड़ेगा, तभी तो 0 प्लस 15 कितना होगा, 15। यहां मुझे 11 लिखना पड़ेगा, 0 प्लस 11 11, 0 प्लस 13 13। सबसे ज्यादा अलॉटमेंट वाले पे इसलिए जीरो लिखा ताकि जीरो के साथ कैलकुलेशन करना आसान है, तो तीन तीन वीजे अपने V1, V2, V3, V4 निकल आए। अब बाकी को भी जमाओ इसी तरह से। फॉर एग्जाम्पल 15 के सामने यहां क्या लिखूं कि ये 10 हो जाए, -5 है ना। अब इस कॉलम में आ जाओ, यहां क्या लिखूं कि ये 10 आए, -1। यहां क्या लिखूं कि ये 17 हो जाए, 4। सर नहीं मजा आया, बता अभी मजा दिलाऊंगा। यहां 15 था, मुझे टोटल 10 चाहिए, तो यहां क्या लिखूं जिससे कि टोटल 10 आ जाए, -5। यहां 11 है, यहां क्या लिखूं जिससे कि इन दोनों का टोटल 10 हो जाए, -1। यहां 13 है, यहां क्या लिखूं कि 13 प्लस समथिंग 17 हो जाए, कितना, 4। ये एक बच गया, इसको यहां देख लो, 4। यहां क्या लिखूं जिससे कि ये 5 हो जाए, 1। तो हमने क्या कैलकुलेट कर लिए, यू आई और वी जे। रूल फिर से सुन लो, मैट्रिक्स बनाओ, सिर्फ उन सेल्स में कॉस्ट लिखो जिसमें अलॉटमेंट है। सर्च फॉर दिस रो और कॉलम विच हैज हाईएस्ट नंबर ऑफ अलॉटमेंट, पुट इट्स वैल्यू आउटसाइड, जीरो। नाउ ट्राई टू पुट वैल्यू ऑफ यू आई एंड वी जे इन सच अ वे दैट टोटल ऑफ यू आई प्लस वी जे इज इक्वल टू कॉस्ट रिटर्न इन द मैट्रिक्स। यू आई और वीजे की इस तरह की वैल्यू रखो जिससे कि उनका टोटल
इस मैट्रिक्स वैल्यू के बराबर आए। सर मैं कैसे मान लूं बराबर है? चेक कर लो ना हर एक को, यहां पे 0 और 15 इधर की रो, इधर का कॉलम 0 और 15 15, 0 और 11 11, 0 और 13 13, 10 15 माइनस 5 10, फिर यहां आ जाओ 5 4 और 1 5, यहां आ जाओ 13 और 4 17, यहां आ जाओ 11 माइनस 1 10। सब स्टेप नंबर 2, अब हमको निकालना है यू आई प्लस वी जे। सबसे पहले मैं यहां यू आई की वैल्यू लिख लेता हूं, 0 माइनस 5 4 माइनस 1। वीजे की वैल्यू लिख लेता हूं 1 15 11 13। अब मैं यू आई और वीजे का टोटल सिर्फ उन सेल्स के लिए लगाऊंगा जो अन अलॉटेड सेल्स हैं। जैसे ये वाली अन अलॉटेड सेल है, इसके लिए यहां पे 0 प्लस 1 कितना हो गया 1, इसके नीचे 1 में से 5 गया तो बचा कितना -4। यहां पे तो कुछ करना ही नहीं है, इस वाले में -1 प्लस 1 कितना हो गया 0। फिर ये दो को छोड़ दो, तीसरे वाले और चौथे वाले में चाहिए 15 और 4 हो गया 19, 15 में से 1 गया तो बचा 14, फिर 11 1 मिनट, ये पहला वाला तो छोड़ना है, बीच के दो भरना है हमको, तो यहां पे बेटा 11 में से 5 गया तो बचा 6, 11 और 4 हो गया 15, इसमें दूसरा वाला फिलअप करना है, 13 में से 5 गया तो बचा 8, और 13 में से 1 गया तो बचा 12। सिर्फ उन सेल्स में हमने टोटल लगाया है जो अनअलॉटेड सेल्स है, यू आई प्लस वीजे। जैसे यहां पे निकालना है तो यू आई 1 वीजे, यू आई 0 वीजे 1, 0 प्लस 1 1, यहां निकालना है तो -5 और 13 8, ऐसे। सब स्टेप नंबर 3, अब हमको निकालना है डेल्टा आईजे, मतलब चेंज इन आईजे, और डेल्टा आईजे इज एक्चुअली इक्वल टू सी आईजे माइनस यू आई प्लस वीजे। वापस से मैट्रिक्स बना लेता हूं मैं, अब ये जो मैट्रिक्स आप देख रहे हैं ना 2 नंबर पे, ये हमारी कैलकुलेटेड वैल्यूज है, ये क्वेश्चन में गिवन वैल्यूज नहीं है। सी आई जे मतलब क्वेश्चन में दी हुई कॉस्ट, सी आई जे मतलब रो आई कॉलम जे में लिखी हुई कॉस्ट, और ये यू आई प्लस वी जे ये तो हमने निकाला है। जैसे अगर हम इस 1 वाली जगह पर क्वेश्चन में देखें तो ओरिजिनल क्वेश्चन में क्या यहां पे 3 है, तो 3 में से 1 को कर लो आप माइनस। ओरिजिनल क्वेश्चन में कॉस्ट कितनी है 3, उसमें से यू आई प्लस वीजे माइनस करा 1, 3 माइनस 1 कितना हो गया 2। दूसरे नंबर वाले में यहां क्या है जरा क्वेश्चन में बताओ, 0 0 माइनस माइनस 4 प्लस 4। उसके बाद चौथे वाले में वहां कितना है 7 7, देखो ना क्वेश्चन में 7 मिलेगा इस जगह पे, क्वेश्चन नंबर 1 देखो नोट्स में, नोट्स 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 जो मैंने छपे हुए दिए हैं उसमें क्वेश्चन नंबर 1, उसमें यहां पे क्या 7 है, मतलब यह है कि इस प्लांट से इस सेंटर पे 1 मिलियन लीटर मिल्क ट्रांसपोर्ट करने की कॉस्ट 7,000 रुपए है, वो 7 है लेकिन हमारी वो कितनी आएगी कैलकुलेटेड 0, 7 माइनस 0 इज 7। फिर यहां पे कितना है 20, 20 में से 19 गया तो बचा 1, यहां कितना है 19 में से 14 गया तो बचा 5, यहां कितना है
आठ में से छह गया बचा दो, यहां कितना है 15 में से 15 गया बचा जीरो, यहां कितना है 15 में से 8 गया बचा 7, यहां कितना है 16, 16 में से 12 गया बचा 4। अब बेटा रूल ये है कि डेल्टा आई जे अगर सारे के सारे पॉजिटिव या जीरो हैं, मतलब आप ऑप्टिमल सॉल्यूशन पर आ चुके हैं। अगर एक भी डेल्टा आई जे नेगेटिव हो जाता इसमें से, या एक से ज्यादा डेल्टा आई जे नेगेटिव हो जाते, तो हम मोस्ट नेगेटिव एलिमेंट को सर्च करते और फिर वहां पे रीअलॉटमेंट करते, और रीअलॉटमेंट करके एक नया अलॉटमेंट मैट्रिक्स तैयार हो जाता, और जो नया अलॉटमेंट मैट्रिक्स तैयार हो जाता उसके लिए फिर यही वाली स्टेप्स हम करते, तब तक जब तक कि ये सारे पॉजिटिव या जीरो ना हो जाए। खैर फिलहाल तो यहां पे इसके नीचे आप लिख लो ऑल द डेल्टा आईजेज आर पॉजिटिव और जीरो, इट मींस दैट अलॉटमेंट इज ऑप्टिमल, इट मींस दैट अलॉटमेंट इज ऑप्टिमल, मतलब वो जो वैम से अलॉटमेंट आया था वो ऑप्टिमल है, उसमें कोई रीअलॉटमेंट कोई चेंज करने की जरूरत नहीं है, उसमें चेंज करने की जरूरत नहीं है। तो अब हम ले लेते हैं स्टेप नंबर 3। सर कभी चेंज करने की जरूरत हो जाती तो क्या होता है, ये जो सब स्टेप नंबर 3 है ना, इसके बाद एक सब स्टेप नंबर 4 बनाते, रीअलॉटमेंट कर डालते, और रीअलॉटमेंट कर डालते उसके बाद फिर स्टेप नंबर 3 वापस मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन की बनती, उसमें फिर से यही सब होता। तो यहां हमने ले लिया स्टेप नंबर 3 फाइनल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। एक तो हो गया आपका प्लांट, एक हो गया डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर, एक हो गई क्वांटिटी, एक हो गई टोटल कॉस्ट। ये वाला अपना अलॉटमेंट था कि प्लांट नंबर 1 सप्लाई कर रहा है सेंटर 2, 3 और 4 को, प्लांट नंबर 1 सप्लाई कर रहा था डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर 2, 3, 4 को, और प्लांट नंबर 2 सप्लाई कर रहा था सेंटर नंबर 2 को, और प्लांट नंबर 3 सप्लाई कर रहा था सेंटर नंबर 1 और 4 को, और प्लांट नंबर 4 सप्लाई कर रहा था सेंटर नंबर 3 को। अरे यहीं से दिख रहा ना बेटा, ये प्लांट 1 था अपना, ये 2, 3, 4 को सप्लाई कर रहा है, प्लांट 2 2 को सप्लाई कर रहा है, प्लांट 3 1 और 4 को सप्लाई कर रहा है, प्लांट 4 3 को सप्लाई कर रहा है। इनकी क्वांटिटी जरा वो वैम वाले में से 30 50, इसे रो वाइज बोल रहा हूं ना, 30 15 25 130 100 80 110 0, और इसमें मैं मल्टीप्लाई करते जाता हूं, 30 × 15 450, और 15 × 11 165, 25 × 13 मतलब 325, 130 × 10 1300, 100 × 5 500, 80 × 17 1360, 110 × 10 1100, और टोटल मैं ऊपर लिख देता हूँ, मेरे पास नीचे लिखने की जरूरत नहीं है, 5200, ये टोटल नीचे लिखना। तो कुल मिला के अलॉटमेंट भी हो गया, चेक भी हो गया कि इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है, और टोटल कॉस्ट निकल आई कितनी, 5200।
सर तो यही क्या है बेटा, ये स्टेपिंग स्टोन ही है। अब जरा अपना स्टेपिंग स्टोन वाला सोल्यूशन निकालो आप। उसमें सबसे पहले आपने C11 कैलकुलेट किया था, कितना आया था? +2। फिर उसके बाद C21 कैलकुलेट किया था, +4। उसके बाद आपने C4th row 1st column +7 आया था। फिर सेकेंड रो थर्ड कॉलम 2 3, आई एम सॉरी 3 2, थर्ड रो सेकेंड कॉलम +1, +5, +2, 0, 7, 4। ये स्टेपिंग स्टोन ही तो है, इसका लॉजिक वहीं से आएगा। मैंने इसीलिए आपको वो पढ़ाया क्यों का ये जवाब, कि एक्चुअली हम क्या कर रहे हैं, ये लूप, ये जो आपने कैलकुलेट करी है ना, ये लूप की कॉस्ट है। लूप में अगर 4 कॉर्नर हैं, तो एक तो जो आपका नया, जिस नए कॉर्नर पे आप अलॉटमेंट कर रहे हैं उसकी कॉस्ट है CIJ, और जो 3 कॉर्नर्स को आप डिस्टर्ब कर रहे हैं उनकी जो कंबाइंड कॉस्ट है वो UI+VJ है। उसको नेट कर लिया आपने तो कॉस्ट कितनी इंक्रीज हो रही है या रिड्यूस हो रही है या सेम है, वो बिना लूप बनाए आ गया। क्योंकि लूप बनाना अपने आप में एक बहुत बड़ा हेडेक है, बार बार लूप बना के देखना, उसमें गलती हो सकती है। ये एक बड़ी फिट डिफाइंड प्रॉपर प्रोसीजर है, इसको फॉलो करने में गलती होने का कोई चांस ही नहीं है, तो इससे ऑटोमेटिकली चीजें आएंगी। अब एक छोटी सी प्रॉब्लम आ सकती है कि अगर कोई नेगेटिव आ गया तो फिर क्या करेंगे, फिर वहां पर रीअलॉटमेंट होगा। सर अगर 2 नेगेटिव आ गए एक साथ, तो यहां पे मालूम पड़ा ये -4 -2 होता, तो जो मोस्ट नेगेटिव है उसको चूज करो। यहां पे अलॉटमेंट करने से कॉस्ट 4 रुपए से कम होती है, तो यहां पे फिर आप क्या कर दो, अलॉटमेंट। लेकिन अलॉटमेंट करने के लिए आपको वही करना पड़ेगा, लूप बनाना पड़ेगा। ये जहां जहां नंबर लिखे हुए दिख रहे हैं वो सब अनअलॉटेड सेल्स हैं। हेलो, माइक टेस्टिंग। क्योंकि बेटा ये वाले अलॉटेड सेल्स थी, ये अनअलॉटेड सेल्स हैं, ये भी कौन सी है, अनअलॉटेड सेल्स है। ये जिसमें नंबर लिखे हैं वो अनअलॉटेड है, जो खाली है वो अलॉटेड है। 1 2 3 4 5 6 7 खाली है, 7 अलॉटेड है। सारे पॉजिटिव आए तो ठीक था, लेकिन अगर कुछ नेगेटिव आते तो क्या करते हैं, मोस्ट नेगेटिव को चूज करते हैं। और मोस्ट नेगेटिव को चूज करने का मतलब यहां अलॉटमेंट करोगे तो सीधे 4 से कॉस्ट क्या होगी, पर यूनिट रिड्यूस होगी। पर फिर इसके लिए यहां से लूप बनाना पड़ेगा, और लूप बनाने के लिए आपको एक तो इधर चलना पड़ेगा, और फिर यहां से चलना पड़ेगा इधर, और फिर यहां से जाना पड़ेगा यहां, और फिर यहां से आना पड़ेगा यहां, और फिर यहां से यहां, और फिर यहां से यहां। ऐसे अलॉटमेंट होंगे। इसमें यहां पे अलॉटमेंट क्या हो जाएगा, प्लस, तो यहां होगा माइनस, तो यहां होगा प्लस, तो यहां होगा माइनस, तो यहां होगा प्लस, तो यहां होगा माइनस। इनमें माइनस माइनस वाले देख लो, एक ये माइनस है, एक ये माइनस है, एक ये माइनस है, ये और ये 3 माइनस हैं। इनकी क्वांटिटी देख लो, इसकी क्वांटिटी कितनी, मुझे दे दो, 100। इसके ऊपर डायगोनल वाले में 130, इधर कॉर्नर वाले में 25। तो 25 क्वांटिटी से ज्यादा का रीअलॉटमेंट नहीं हो सकता है। 25 क्वांटिटी को सब जगह प्लस माइनस करके घुमा दो। जैसे ही घुमाओगे तो एक चेंज आएगा, पॉइंट टू बी नोटेड, कि यहां 25 क्वांटिटी अलॉटेड थी उसको कम करोगे तो यहां अलॉटमेंट क्या हो जाएगा, 0। तो अब ये जो अलॉटेड सेल है ये हो जाएगी अनअलॉटेड सेल, और ये जो अनअलॉटेड सेल है ये हो जाएगी अलॉटेड सेल। एक नया सोल्यूशन हमारे सामने आएगा, और जैसे ही नया सोल्यूशन सामने आएगा फिर ये करो। नहीं सर, कभी ये -4 और -4 होता तो क्या करते, फिर क्वांटिटी देख लेते कि कहां ज्यादा री, फिर दोनों के लूप बना के देखो, इसका भी लूप बना के देखो, इसका भी लूप बना के देखो, दोनों के लूप बना के देखा तो मालूम पड़ा जिसमें ज्यादा क्वांटिटी रीअलॉट हो सकती है उसको चूज कर लो। सर क्वांटिटी रीअलॉटमेंट सेम होता तो फिर आर्बिट्रेरीली आप कर लो। जो क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देने वाला हूं ना, इसमें ऐसा ही होगा। और उसमें फिर क्या होगा मालूम है, ये तो एक इटरेशन है जो बोर्ड पे आप देख रहे हो, उसमें 4 या 6 इटरेशन चलेंगे। कौन सा,
यहीं कर लेते हैं, इतना खतरनाक क्वेश्चन होमवर्क में ना दिया जाए। चलो तो वैसे अब मुझे भी नहीं याद आ रहा है खतरनाक वाला कौन सा था, शायद यही होगा क्वेश्चन 14 ही। क्वेश्चन 14 बोलता है फाइंड आउट फाइनल फीजिबल सॉल्यूशन फॉर क्वेश्चन नंबर 2। किसमें? क्वेश्चन नंबर 2 में स्टेपिंग स्टोन से सारे पॉजिटिव आ गए, मतलब वो तो आसान क्वेश्चन है। करा किसी ने स्टेपिंग स्टोन? कितने बच्चों ने करा क्वेश्चन 2 का स्टेपिंग स्टोन? वेरी नाइस, तो सारे पॉजिटिव आ गए। yes, तो मतलब ये तो फिर होमवर्क में चले जाने। चलो 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 ठीक है। हाँ क्वेश्चन नंबर 4 में, हाँ वो जो कटवा दिया मैंने किया बाद में कराया, वो ठीक है वो समझेंगे बाद में। अभी तो आप फिलहाल ये करो कि क्वेश्चन 14 को रख लो आप होमवर्क। हम आते हैं क्वेश्चन नंबर 14A पर। फॉलोइंग आर द डेटा फॉर ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट। तीन फैक्ट्री है और तीन डेपो हैं हमारे, और जरा फैक्ट्री में 70, 130 और 180 का सप्लाई का टोटल लगाना। 380 है और डेपो में 100, 160, 120 का टोटल लगाना। 180 मतलब बैलेंस्ड मैट्रिक्स है, हमको कोई डमी रो या कॉलम यहां पर डालने की जरूरत नहीं है। यू आर रिक्वायर्ड टू फाइंड आउट फाइनल ऑप्टिमल सॉल्यूशन। लो तो फाइनल कैसे निकालें? पहले तो इनिशियल निकालना पड़ेगा, तो पहले वैम से इसका इनिशियल निकालो, उसके बाद फिर हम मॉडल लगाएंगे। और जरा क्विक, बहुत स्पीड से करना है आपको। पांच अलॉटमेंट आना चाहिए, क्योंकि एम प्लस एन माइनस वन, थ्री प्लस थ्री सिक्स, माइनस वन फाइव, अलॉटमेंट्स मस्ट बी देयर। पांच अलॉटमेंट रहेंगे हाँ, और नौ में से पांच अलॉटेड रहेंगे तो चार अनअलॉटेड रहेंगे। छोटा आसान क्वेश्चन है।
हो गया क्या बेटा? देखो ऐसा है कि फर्स्ट रो में तो सेकंड थर्ड कॉलम में अलॉटमेंट आया है, सेकंड रो में भी सेकंड थर्ड कॉलम में अलॉटमेंट आया है, सेकंड में सिर्फ सेकंड में आया है, ये नहीं है, और थर्ड रो में फर्स्ट और थर्ड में अलॉटमेंट आया है, फर्स्ट रो में सेकंड थर्ड में आया है, सेकंड रो में सेकंड में आया है, थर्ड रो में फर्स्ट और थर्ड में आया है। सही है? रो वाइज अगर हम बात करें तो 30, 40, 130, 100 और 80, ये क्वांटिटीज का अलॉटमेंट आया है। सही है ना? ठीक है, ये वैम हो गया सबका। क्या आप चाहते हैं कि मैं बोर्ड पर करूं? ठीक है, अब आप स्टेप नंबर टू लें, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच। लिखिए स्टेप टू, मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच, ब्रैकेट में आप लिख लें इटरेशन वन। इटरेशन मतलब कोई काम कितनी बार रिपीट करते हैं आप। इटरेशन वन, पहला प्रयास। हो सकता है पहले ही प्रयास में उत्तीर्ण हो जाएं हम, लेट्स सी व्हाट हैपेंस। अब मैं कुछ अलग करने वाला हूं। मैं क्या करता हूं कि एक मैट्रिक्स तो अपना बन रहा था यूआई एंड वीजे का, एक बन रहा था यूआई प्लस वीजे का, और एक बन रहा था डेल्टा आईजे का। तो मैं तीनों को एक ही मैट्रिक्स में अकोमोडेट कर लेता हूं, एक ही मैट्रिक्स में तीनों को घुसा लेते हैं, है ना? जैसे स्कूल बस में, हॉस्टल में आपको सबको अकोमोडेट कर लेता ना एक ही जगह पे, ज्यादा ज्यादा तीन बार की मैट्रिक्स बनाने की मेहनत अपनी बच जाएगी उससे। तो कैसे हम कर सकते हैं मैं आपको बताता हूं। हाँ, यहां पर कितनी कॉस्ट है? 15, यहां पर 11, यहां 10, 5, 15, 1 अलॉटमेंट, 2 अलॉटमेंट, 2 अलॉटमेंट, 2 अलॉटमेंट, तो कहीं पे भी जीरो ले लो, हम तो ये यहीं ले लेते हैं, 2 अलॉटमेंट है ना, यहां जीरो ले लिया तो ये 15 11 हो गए क्या बेटा? ध्यान दीजिए, वो जीरो ले लिया तो ये 15 11 हो गए। सर अगर हम जीरो कहीं और ले लें तो बेटा आपके सारे सारे जो हैं वो चेंज हो जाएंगे यू आई और वीजे। क्वेश्चन 14A, अगर आप जीरो कहीं और ले लेना तो सारे यू आई वीजे बदल जाएंगे आपके, हालांकि फाइनली डेल्टा आई जे सेम आएगा, पर आप बाकी लोगों से थोड़ा अलग चले जाओगे, बाद में आके फिर मिलोगे। हाँ, वो हो गया 15 11, तो अब यहां पे मैं लिख लेता हूं 4 11 और 4, और ये 15 है तो माइनस 5 कर लेता हूं, और ये 4 है तो यहां पे कितना आ जाएगा? 1। छोटा मैट्रिक्स है तो फटाक से ये सॉल्व हो गया। अब मुझे क्या करना है, यू आई प्लस वीजे करना है ना, तो मैं उसको यहां थोड़ा कॉर्नर में लिख लेता हूं। 1 और 0 कितना आएगा? 1। 1 माइनस 5 कितना आएगा? -4। 15 प्लस 4 19। बड़ा नंबर जैसे आए उसको देख के डरो, क्योंकि ये बड़ा नंबर जब माइनस होगा तो कहीं माइनस नेगेटिव आंसर नहीं आ जाए। माइनस देख के तो खुश होना चाहिए, क्योंकि माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। जीरो देख के खुश होना चाहिए कि क्या कर लेगा ये। वन वन छोटे मोटे नंबर भी कुछ नहीं, पर मालूम पड़ा यहाँ यहाँ कितना है जरा देखना। बचे 20 में से 19 जाएगा तो पॉजिटिव ही आएगा, कहीं ये 17 होता तो अपनी वाट लग जाती। 17 माइनस 19 मतलब नेगेटिव, नेगेटिव मतलब री अलॉटमेंट। 11 में से गया 5, कितना बचा? 6। ये जो मैंने साइड में कोने में लिख दिया ना, ये सब क्या है? यू आई प्लस वीजे। और इसी में आप मुझे क्या करना है, सी आई जे माइनस यू आई प्लस वी जे मतलब क्या निकालना है? डेल्टा आई जे। यहां ओरिजिनली कितना है? 3। 3 माइनस 1 कितना हो गया? 2। यहां ओरिजिनली कितना है? 0। 0 माइनस माइनस 4 इज 2।
प्लस फोर, यहां कितना है 20, 20 में से गया 19, एक यहां कितना है 1 है, 8 है, 8 माइनस 6 इज, मजा आ गया। एक्चुअली नहीं आया मजा, मैं चाह रहा था कि नेगेटिव आ जाए ताकि हम देखें तो सही कि आगे क्या करना पड़ता। अब एनीवेज चलो अब आ गया है, क्या कर सकते हैं। 2421 ऐसे आ गया, सब पॉजिटिव है। ये जो मैंने कॉर्नर्स पे लिख दिए हैं ये क्या है, डेल्टा आईज है, और ये सारे के सारे क्या है, पॉजिटिव। इसका मतलब हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया है। एक में ही घुसा लिए सारे। सर एग्जाम में मत करो, एग्जाम में मत करो, क्योंकि फिर उसको डिफाइन कैसे करोगे आप, एक अलग से बॉक्स बना के उसमें पहले डिफाइन कर लें। वो कॉपी चेकर इतना अकलमंद नहीं हुआ तो दिक्कत आएगी अपने को। या तो आप यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर लिख के आ जाओ फॉर फर्दर एक्सप्लेनेशन। तो हाँ मतलब फिर भी रिस्क हो जाएगी। देखो क्या है, अभी तो अपने को 20-25 क्वेश्चन ट्रांसपोर्टेशन के करना है, और कहीं में ज्यादा इटरेशन भी होंगे तो ये शॉर्टकट मार लो आप। पर एग्जाम में तो ट्रांसपोर्टेशन का पहली बात तो हो सकता है क्वेश्चन ना आए, आएगा तो एक ही क्वेश्चन आएगा, तो थोड़ी मेहनत उसमें कर लो, बॉक्सेस बना लो फटाफट फटाफट, क्योंकि बॉक्स में जो रो है वो तो वैसे ही डिजाइंड आती, बस कॉलम ही तो खींचना होते हैं, कोई ज्यादा देर नहीं लगती, जल्दी जल्दी बॉक्स बनाओ और कर दो। ये आलसी क्लास में चलेगी, होमवर्क में भी चलेगी, एग्जाम में नहीं चलेगी। ऑप्टिमल सॉल्यूशन आ गया, ये स्टेप नंबर 2 थी हमारी। अब हम लेंगे स्टेप 3, और स्टेप 3 में हमारे पास है फैक्ट्री, डेपो, क्वांटिटी, कॉस्ट। एग्जाम में नहीं चलेगा, FDQC लिखना ढंग से, फैक्ट्री, डेपो, क्वांटिटी, कॉस्ट। फैक्ट्री नंबर 1 सप्लाई दे रही है 2 और 3 डिपो को, फैक्ट्री नंबर 2 दे रही है 2 को, टू एंड थ्री, और 3 दे रही है 1 और 3 को। और जरा आप इनकी क्वांटिटी रो वाइज बोलते जाएं, 30, 40, 1, 30, 180, 30 × 15 हो गया 450, 11 × 40 440, 1300, 500, 1200, 3890। देखो ये जो सारी स्टेप्स हमने ली ना, ये यहाँ नोट्स में छपी हुई है, पेज नंबर 11 पर आप देखो, पेज नंबर 11 पर आपको मिलेगा मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन मेथड, नीचे की तरफ मिला क्या, और इसमें क्या दिया है, मेक अ कॉस्ट मैट्रिक्स ऑफ अलोकेटेड सेल्स ओनली। कॉस्ट मैट्रिक्स बनाओ मगर कॉस्ट सिर्फ वहीं लिखो जिन सेल्स में अलॉटमेंट है, and calculate UI and VJ. UI is return on the right side of the matrix and VJ is return below the matrix. How to calculate UI and VJ? To start calculation, assume any one UI or VJ equal to 0. कोई भी एक UI या VJ को आप क्या ले लीजिए, 0. It would be better to take 0 for a row or column where there are maximum number of allotments. Phir B step hai calculation of UI plus VJ. Now calculate UI plus VJ for all unallocated cells. Jahan allotment nahi aaya hai. Calculation of question mark IJ. Ye question mark IJ nahi hai, delta IJ hai. फॉन्ट पकड़ा नहीं सॉफ्टवेयर ने तो क्वेश्चन मार्क लगा दिया। डेल्टा आईजे इज इक्वल टू
Cij minus ui plus vj. Here Cij means the transportation cost given in the original matrix of VAM. जो ओरिजिनल क्वेश्चन में थी वो वाली. इफ ऑल डेल्टा आई जेज आर पॉजिटिव देन द सॉल्यूशन इज ऑप्टिमल एंड नो नीड टू मेक रीअलॉटमेंट. बट इफ देर आर वन और मोर जीरोज इन डेल्टा आई जे टेबल एंड ऑल रिमेनिंग डेल्टा आई जेज आर पॉजिटिव देन देर एग्जिस्ट ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन टू द प्रॉब्लम. सर वो ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन कैसे मालूम पड़ेगा? सिंपल, जिस सेल में जीरो डेल्टा आई जे आ रहा है वहां लूप बना करके रीअलॉटमेंट कर दो तो एक नया सॉल्यूशन आएगा और उसकी कॉस्ट क्या रहेगी? सेम. अभी मैं प्रूव कर दूंगा इसको. उसके बाद में इफ वन और मोर ई पॉइंट इफ वन और मोर डेल्टा आई जेज आर नेगेटिव चूज द हाइएस्ट नेगेटिव डेल्टा आई जे and make reallotment. If there is a tie between highest negative elements, then choose the one where highest quantity can be allotted. And after reallotment, repeat all steps until you get all positive delta ij's. ये पूरी की पूरी approach है. चलो ये question तो खत्म हुआ, लेकिन जो question number 13 हम लोग कर रहे थे ना बेटा, उसमें एक जीरो आया था. वो जो थर्ड सब स्टेप थी, फोर बाय फोर का मैट्रिक्स था ना, रो वाइज बोलो, टू डैश 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 फोर डैश 27 डैश 1 0 डैश 7 5 डैश 4. अब जो ब्लैंक है वो अलॉटेड सेल्स है. जो ब्लैंक वाली है वो कैसी है? अलॉटेड सेल्स है. यहां 0 आ गया, मतलब ये जितने नंबर लिखे हैं वो अनअलॉटेड सेल्स है. अगर यहां आप अलॉटमेंट कर दें तो कॉस्ट में कोई फर्क नहीं पड़ेगा और इसका जो लूप है वो ऐसे बन जाएगा, ये अलॉटेड ये अलॉटेड ये अलॉटेड. तो यहां प्लस हो जाएगा, यहां माइनस, यहां प्लस, यहां माइनस, है ना? लो नहीं आया समझ में? आ गया. अब जो ये खाली वाली जगह थी ना, इनकी मुझे आप क्वांटिटी बोल देंगे जरा? यहां कितनी क्वांटिटी अलॉटेड है? 100, 30, 130, 15, 15, 110, 25, 80, प्लस माइनस प्लस माइनस. तो ये माइनस है, ये माइनस है, उसमें जो लीस्ट माइनस है वो कितना है? 15. तो जो रीअलॉटमेंट होगा वो सिर्फ कितनी क्वांटिटी का होगा? 15. ये सर्कल करके क्वांटिटी यहां नहीं लिखना है, ये तो मैंने आपके लिए बताने के लिए लिख दी केवल. इसके बाद आप फिर क्या करेंगे? स्टेप नंबर 4 लेंगे जो कि रीअलॉटमेंट होगी, और रीअलॉटमेंट वाले में आप केवल क्वांटिटी जितना मैट्रिक्स बनाएंगे उसमें कॉस्ट लिखने की कोई जरूरत आपको बस वो ये लूप बना के प्लस माइनस दिखा दो. ये सर्कल वाली क्वांटिटी नहीं लिखनी है अपने को, है ना? वो तो आपको अभी पुराना हो गया क्वेश्चन, तो याददाश्त के लिए लिख दी मैंने. अब क्या होगा बेटा? ये जो 100 है ये तो इंटैक्ट है, इसमें कोई चेंज नहीं है. 30 में कोई परिवर्तन नहीं है. ये 15 माइनस होके क्या हो जाएगा? 0. और यहां जो 0 क्वांटिटी अभी तक अलॉटेड थी वो हो जाएगी 15. अच्छा, ये आपकी जो 110 है इसके नीचे वो भी इंटैक्ट है. अच्छा, यहां पे 15 प्लस हो गया, यहां 80 में से 15 क्या होगा? माइनस. कितना आएगा? 65. 25 में 15 हो जाएगा प्लस, कितना आएगा? 40.
ये 15 माइनस 15 क्या हो गया, जीरो। 1 2 3 4 5 6 7 बार ये रीअलॉटमेंट है ना, क्वांटिटी मैट्रिक्स है ये, दिस इज क्वांटिटी मैट्रिक्स, दिस इज नॉट कॉस्ट मैट्रिक्स। लूप बना के हमने क्या कर दिया, रीअलॉटमेंट। क्वेश्चन 13 का ऑल्टरनेटिव सॉल्यूशन देख रहे हैं हम। अब देख लेते हैं कॉस्ट का क्या है, अपना प्लांट डिस्ट्रीब्यूशन सेंटर क्वांटिटी कॉस्ट। प्लांट नंबर 1 सप्लाई कर रहा है 2 और 4 को, प्लांट नंबर 2 सप्लाई कर रहा है 2 को, प्लांट नंबर 3 सप्लाई कर रहा है 3 जगह 1 3 4, और प्लांट नंबर 3 सप्लाई कर रहा है 3 पर। हाँ ये 4 है ना, 4 सर रहा है 3 को। अब क्वांटिटी तो अपने सामने यहां पे है ही, 30 40 130 115 65 110, इनको इनके रिस्पेक्टिव कॉस्ट से हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई। तो ये जो 30 है यहाँ पे, ज़रा ओरिजिनल मैट्रिक्स में देख के बताओ, 15 है, तो 30 × 15 × 15 बराबर 450 × 13 520 × 10 1300 × 5 500 × 15 225 × 7 17 1105 × 10 1100 देखा आपने कि कैसे हम रीअलॉटमेंट कर सकते हैं, और उस जीरो वाले भी रीअलॉटमेंट करके भी कॉस्ट वही है, तो ये अल्टरनेटिव सॉल्यूशन निकल आया। भले ही आप मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन अप्रोच लगाएं, मगर कहीं रीअलॉटमेंट वगैरह का काम आया तो लूप तो आपको बनाना पड़ेगा। स्टेपिंग स्टोन तो फुल्ली लूप बेस्ड थी, ये प्रोसीजर ड्रिवन है, मगर रीअलॉटमेंट के पर्पस से तो लूप बनाना पड़ेगा। अब देखिए इसी क्वेश्चन में और कितनी सारी चीजें हमसे पूछी है। क्वेश्चन 14A पर आ जाओ वापस से, ये 14A का अपना था, 2 4 1 2 सारे पॉजिटिव आए थे। इसमें बोला है डू वी हैव एनी ऑल्टरनेट ऑप्टिमल सॉल्यूशन, तो सेकंड पार्ट का आंसर क्या आ जाएगा, अभी मत लिखो नो, क्यों, व्हाई नो, क्योंकि कहीं भी जीरो नहीं है। व्हाट इफ वी डू नॉट वांट टू ट्रांसपोर्ट एनी यूनिट फ्रॉम फैक्ट्री 1 to depot 3, किसी कारण से वहां रास्ते में लूटपाट होती है, कुछ प्रॉब्लम है, आपने बोला कि नहीं नहीं
फैक्ट्री वन से डेपो थ्री माल नहीं जाएगा, अब क्वेश्चन में ये एक शर्त डाल दी। पता है ऐसे केस में जिन बच्चों ने असाइनमेंट पढ़ा है, अगर हमको कहीं कोई जॉब असाइन नहीं करनी होती थी तो वहां हम एक्सट्रीमली हाई कॉस्ट लिख देते, तो कॉस्ट बड़ी होने से अपने आप ही वो जॉब असाइन नहीं होता। यहाँ पे जैसे 1 3 में कॉस्ट कितनी लिखी है, 11 11 है ना, उसकी जगह बड़ी कॉस्ट लिख दो 11 करोड़, तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि इतनी हाई कॉस्ट होने की वजह से मेथड अपने आप ही उस सेल को क्या कर देगी, रिजेक्ट। पर 11 करोड़ बार बार लिखना मतलब तकलीफ का काम है, तो एम लिख सकते हैं, एम मतलब एक लार्ज फिगर मैक्सिमम। या वो भी नहीं करना है तो और आसान काम है, डैश लगा दो। डैश लगा दिया है तो मतलब वो डैश डैश ही रहेगा हमेशा, वहां अपने आप ही कोई अलॉटमेंट नहीं आएगा, समझे आप। वैम वैम से ही शुरू करना पड़ेगा वो तो, और वहां जब डैश लगाओगे तो उससे डिफरेंस विफरेंस भी नहीं निकलेगा और कुछ आपको अलॉटमेंट वहां पे करना ही नहीं। किसी जगह अलॉटमेंट नहीं करना हो तो उसका बेस्ट मेथड क्या है, डैश पुट करो और शुरू से क्वेश्चन सॉल्व करो। इसको हम देखते हैं बाद में आगे। व्हाट इफ वी वांट टू ट्रांसपोर्ट मिनिमम 50 यूनिट्स फ्रॉम फैक्ट्री वन टू डेपो थ्री? सोचो। मैं एक बात बता दूं, ये कोई ऐसा नहीं कि पिछले सॉल्यूशन से आगे बढ़ना है, ये अपने आप में क्या होगा, एक फ्रेश क्वेश्चन है। ये जो पार्ट 3 4 5 6 हम पढ़ रहे हैं ना, ये अपने आप में फ्रेश क्वेश्चन है जो वहम से ही स्टार्ट करने पड़ेंगे वापस। तो पार्ट 4 के लिए आपके दिमाग में कुछ आया? सबसे पहले 50 अलॉट ही कर दो ना, मतलब फैक्ट्री वन में 70 बोलो ही मत, 20 ही बोलो। क्यों? क्योंकि 50 तो उन्होंने डेपो 3 को देनी देनी है, और इधर जो डेपो 3 है उसकी डिमांड 120 मत बोलो, 70 बोलो। क्यों 70 बोलो? क्योंकि 50 क्वांटिटी तो उनको फैक्ट्री वन से आ ही गई है। पूरा कॉस्ट मैट्रिक्स को इंटैक्ट रखो। हाँ, फैक्ट्री वन की सप्लाई ही 20 बताओ, डेपो 3 की डिमांड ही क्या बताओ, 70। एक क्वेश्चन बन गया, उसको सॉल्व करो। क्या आप मेरी बात समझे? फिर अगर और अलॉटमेंट आना होगा तो आ जाएगा, और नहीं आना होगा 1 3 पे तो नहीं आएगा। आना होगा तो आएगा, नहीं आना होगा तो नहीं आएगा, समझे आप इस बात को। क्वेश्चन का फिफ्थ पार्ट पढ़ो। एग्जैक्ट 50 करना है ना, तो यही पहले तो 50 50 डिमांड सप्लाई में से माइनस कर दो, 70 को कर दो 20, 120 को कर दो 70, और जहां 11 लिखा है वहां लगा दो डैश। एग्जैक्ट 50 से सप्लाई करनी थी तो करके डैश लगा दो, ताकि अब वहां पे और अलॉटमेंट आएगा ही नहीं, समझे आप। तो बेटा इसको केवल डिस्कस थोड़ी करना है, सॉल्व करना है। कौन कौन से थर्ड फोर्थ और फिफ्थ पार्ट को क्या करना है, शुरुआत से वैम से सॉल्व करना है। आप करेंगे और क्वेश्चन छोटा है, 3 बाय 3 का मैट्रिक्स है, मतलब कुछ भी हो जाए तो फटाफट चल जाएगा, कोई उसमें ज्यादा दिक्कत वाली बात नहीं। हाँ, थोड़ा इससे प्रैक्टिस होगी और वही सबसे ज्यादा जरूरी है। सिक्स्थ पार्ट में करवाऊंगा, इसमें लिखा है व्हाट इफ वी वांट टू ट्रांसपोर्ट मैक्सिमम 20 यूनिट्स, 20 से ज्यादा नहीं होना, फ्रॉम फैक्ट्री वन टू डेपो थ्री। लगा दिया तो 0 ही हो जाएगा वो, तो फिर वहां अलॉटमेंट आएगा ही नहीं। हम बोल रहे हैं अलॉटमेंट तो आए, कोई दिक्कत नहीं है, पर 20 से ज्यादा का नहीं है। 20 तो सबसे पहले अलॉट कर ही दो, तो बेटा वो तो मिनिमम 20 हो जाएगा ना। जब अलॉटमेंट आ जाए, मतलब पहले अपन क्वेश्चन पूरा सॉल्व कर लें, और अगर अलॉटमेंट आ जाए तो 20 करके फिर बचे हुए का क्या करें, वो कहां ले जाएं, लूप बना के री अलॉट कर दें। जो अलॉटेड सेल्स होती है वहां से लूप बनता ही नहीं है, याद आया?
इसका सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं। ओ, दो बार लिख दिया। डेपो थ्री को मान लिया मैंने कि ये दो डेपो हैं, एक थ्री, अभी आपके समझने के लिए एग्जाम में मत करना है इसको ऐसा, ये थ्री ए है और ये थ्री बी है, उस डेपो की दो हिस्से कर दिए। थ्री ए की डिमांड ही रखी मैंने कितनी, 20, तो 20 से ज्यादा का अलॉटमेंट तो अब किसी भी कीमत पे इसमें आएगा ही नहीं। और जो थ्री बी है उसकी डिमांड 100 है, मगर जो जब फर्स्ट फैक्ट्री से सप्लाई आ रही वहां क्या लगा दिया डैश, तो यहां पर तो कोई अलॉटमेंट आएगा ही नहीं। ये 100 की रिक्वायरमेंट इन दो में से कहीं से फुलफिल करनी पड़ेगी, और जो बचे हुए 20 हैं वो तीनों में से कहीं से भी आ जाए, यहां से भी आए, तो हमको कोई तकलीफ नहीं है। 20 से ज्यादा अलॉटमेंट अब डिपो थ्री में फैक्ट्री वन से नहीं आ सकता। सोचो इस पर, पर सर 20 से कम भी तो नहीं आएगा, आ सकता है ना। इस सेल में अलॉटमेंट नहीं आए तो 0, इस सेल में 5 अलॉटमेंट आ जाए तो 5, 10 आ जाए तो 10। चलो इसका वैम तो कर लें हम फुल स्पीड से। 305 में डिफरेंस आया, 3, 5, 3, 7, 8, 8, 10, 10 वाली रो पर हम आ गए, उसमें 5 पे अलॉटमेंट डाल दिया 100 का, ये सेटिस्फाई हो गया। यहां बचा केवल 80, डिफरेंस 11 और 15 का निकल आया 4, 8, 8 और 8 का हो गया 0, 15 और 15 का हो गया 0, 4, 0, 0, यहां 7, 7 में ये मिनिमम है, 8 डैश पे तो ध्यान देंगे ही नहीं, 7 में मिनिमम कितना है 8, और 8 में अलॉटमेंट आएगा 100, और 100 अलॉटमेंट आते ये हो जाएगा कैंसिल, यहाँ बचेगा 30, 15 और 11 का डिफरेंस 4, 10 और 8 का डिफरेंस 2, 15 और 20 का डिफरेंस 5। और फिर उसके बाद में 4, 2, 5, 5, और 5, 5 मिटाए हो गया, वो 5, ये 5, इस 5 में मिनिमम 10 है, उस 5 में मिनिमम 15 है, तो फिर हम 10 पे अलॉटमेंट कर देंगे, 10 पे अलॉटमेंट आएगा कितना 30, तो यहाँ रिक्वायरमेंट बचेगी 130, ये खत्म हो जाएगा, डिफरेंस वापस निकालना पड़ेगा, 15 और 20 का कितना 5, 11 और 15 का कितना 4, तो ये 5 और ये 4, तो उस 5 और इस 5 मिटाए है, उस 5 में 15, इस 5 में भी 15, तो फिर क्वांटिटी वाइज देख लेते हैं, यहां अलॉटमेंट आएगा 20 और यहां अलॉटमेंट आएगा 70, तो यहां कर देते हैं अलॉटमेंट 70, यहां रिक्वायरमेंट रह जाएगी 60, ये हो जाएगा कैंसिल, और ये जो 60 आ गया है अब तो बस बचे ही दो हैं, तो कर देते हैं अलॉटमेंट, इसमें कितना 60 और इसमें 20, इसमें कर दो पहले 20 और यहां कर दो कितना 60, तो वैम के हिसाब से तो डिपो वन फैक्ट्री थ्री में कोई अलॉटमेंट, फैक्ट्री वन डिपो थ्री में कोई अलॉटमेंट ही नहीं है। अब नंबर ऑफ अलॉटमेंट्स जो आ गए हैं वो हो गए 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो होने भी थे 6,
क्योंकि 4 और 3 7 में से एक गया तो कितना बचा, 6। ठीक है सर, आप कंबाइन कर लेंगे इसको? नहीं नहीं अभी नहीं है, पूरा सोल्यूशन चलाने के बाद, अभी जल्दी नहीं करना है आपने को। अब हम इस पर चलाते हैं मॉडी, और मॉडी एक मैट्रिक्स में चला लेते हैं तो थोड़ा सा अपना काम आसान हो जाएगा। सिंगल मैट्रिक्स मॉडी अगर हम चलाएंगे तो मुझे चाहिए 1 2 3 रो और 1 2 3 4 कॉलम। अब मॉडी में यहीं से देख के चला लेता हूं, अलॉटेड वाले में पहले मैं लिख लेता हूं, यहां आ गया 5 15 10 20 और यहां आ गया 15 और यहां आ गया 8 और इसमें मैं लिख लेता हूं 0 तो ये हो जाएगा 15 10 और 20 और यहां 20 है तो यहां लेना पड़ेगा -15, यहां 10 है तो लेना पड़ेगा -2, यहां 20 है तो लेना पड़ेगा -5। अब मैं UI प्लस VJ कर लेता हूं, 15 15 आ जाएगा 0, 15 10 हो जाएगा -5, -5 15 10, 10 में से 5 गया तो बचा 5, 15 में से 2 गया तो बचा 13 और 18। चेक कर लो गलत तो नहीं है, अब इसमें हम ओरिजिनल मैट्रिक्स में से 3 माइनस 0 3 हो गया और 0 माइनस माइनस 5 तो +5 हो गया और यहाँ 10, 11 में से 10 गया तो बचा 1 और 8 में से 5 गया तो बचा 3 और इसका तो मैंने क्यों कैलकुलेशन कर लिया, करना ही नहीं था, ये तो डैश है ना, वैसे ही बेकार टाइम खराब हुआ। सत्यानाश हो गया यहां पे, 15 में से गया 18 और आ गया -3, इसी का तो इंतजार था। तो अब बनानी पड़ेगी इस -3 पे मुझे रीअलॉटमेंट टेबल और लूप, मुझे दिख रहा है यहां यहां नहीं 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 यही है ना, यहां 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 ये प्लस माइनस प्लस माइनस, तो ये 2 प्लस होंगे, ये 2 पे क्या आएंगे माइनस, ये 2 पे माइनस आना है तो 20 और नहीं नहीं आई एम सॉरी 60 और 100, तो इसमें से 60 कम है तो 60 हो जाएगा माइनस। रीअलॉटमेंट टेबल जब मैं इसके बाद बनाऊंगा, तो सबसे पहले यहां पे आएगा 100 और ये 60 हट जाएगा और 30 और 60 हो जाएगा 90 और ये 70 अपनी जगह पर बना रहेगा, ये 20 अपनी जगह पर बना रहेगा, ये 100 में से जाएगा 60 तो बचेगा 40 और यहां पे आएगा 60 का अलॉटमेंट। चाहो तो टोटल चेक कर लो एक बार, यहाँ 70 है, 9 और 4 13 है, 180 है, यहाँ 100 है, 7 और 9 16 है, 20 है, 100 है, हाँ भाई बराबर है एकदम टोटल। सर क्या करा है, इतनी जल्दी जल्दी मत करा करो, क्या कर कुछ आप भी करो। ये वाला लूप था दिस वन, यहाँ 0 हो गया और यहाँ 40 ही रह गया और इधर 60 आ गया, इधर 60 बढ़ गया। अब क्या करना है, फिर वही मॉडिफाइड डिस्ट्रीब्यूशन। बढ़ाओगे इसको आप आगे कि कर लें अभी, 5 मिनट और लगेंगे। लेकिन कितने बच्चे बोल रहे हैं अब भी निपटा दो, कितने बोल रहे हैं रहन दो हम कर लेंगे, तो फिर चाहते क्या हो, दोनों में हाथ नहीं उठा रहो। कल मैं करवाऊं ऐसा, ठीक है कल मैं करवा दूंगा। ओके थैंक यू।